हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टिक टेक इंडिया पर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है आप लोगों के द्वारा। आज हम आपके लिए लाए हैं मोल्ड ओपन क्लोज सेटिंग पेज और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मोल्ड सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर देखें, हम पेपर सेफ्टी का डेमो देंगे आपको, मोल्ड सेफ्टी या फिर आप पेपर सेफ्टी बोल सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं मोल्ड ओपन क्लोज। मोल्ड ओपन क्लोज जब हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में एक साइकिल को स्टार्ट करते हैं तो मोल्ड क्लोज होता है, मोल्ड ओपन होता है जब पार्ट इजेक्ट करना होता है। मोल्ड ओपन क्लोज की जो सेटिंग है, जो जैसा कि आप इस PLC पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्लोज सबसे ऊपर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्रोफाइल 1। उसके नीचे फिर आपका ओपन की सेटिंग है। पहले हम क्लोज की सेटिंग को बताते हैं। इसमें पोजीशन, स्पीड, प्रेशर और टाइमिंग। पोजीशन, मोल्ड ओपन से मोल्ड लॉकिंग तक जो क्लोजिंग का स्टेप है उसके बारे में, जो जिस पोजीशंस में वो जाता है, जैसे कि आप फर्स्ट प्रोफाइल में देख सकते हैं मोल्ड क्लोज, मोल्ड सेफ्टी ये दिया हुआ है। फिर हम मोल्ड ओपन में देखते हैं तो ब्रेक अवे मीन्स मोल्ड जब टनेज को रिलीफ करता है, उसके बाद पोजीशन 1 स्लो ओपन और ओपन लिमिट। ओपन लिमिट वो होती है जहाँ पे हमारा मोल्ड जाके ओपन होके इजेक्ट करता है पार्ट को, उसको ओपन लिमिट कहते हैं। ये हमारा मोल्ड ओपन क्लोज का सेटिंग का पेज है। अभी हम आपसे को दिखाते हैं मोल्ड सेफ्टी। ये हमारा मोल्ड है जिसके ऊपर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी हम साइकिल में डालते हैं मोल्ड को। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मोल्ड सेफ्टी में हमने टाइमिंग दे रखा है 0.54 सेकंड और एक्चुअल टाइम ले रहा है 0.52 सेकंड्स। हमारा मोल्ड क्लोज हो गया है, इंजेक्शन हो रहा है, मोल्ड कूलिंग में है। इसके बाद हम आपको मोल्ड के बीच में, ये 3 प्लेट मोल्ड है, इसमें हम एक पेपर लगाते हैं। पेपर लगा के हम आपको सेटिंग, एक्चुअली मैंने पहले ही कर रखा है इस मोल्ड पे। हमें करना क्या होता है, हमें वो मिनिमम स्पीड और प्रेशर अप्लाई करना होता है मोल्ड के ऊपर, ताकि मोल्ड क्लोज होते समय उसके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल, मान लीजिए आपका पिन कोई टूटा हुआ है या फिर फ्लैश है या फिर रनर अटका हुआ है, तो मोल्ड क्लोज ना हो। अभी जैसा कि आपने देखा हमने पेपर लगा दिया है, मोल्ड क्लोज कर रहे हैं। अभी आप ध्यान देंगे, अगर मोल्ड सेफ्टी का हमने टाइम दिया हुआ है 0.54 और एक्चुअल टाइम भी हमारा ले रहा है 0.54 और यहाँ पे अलार्म आ गया है मोल्ड सेफ्टी टाइम आउट। मोल्ड सेफ्टी टाइम आउट का अलार्म है, हमारा मोल्ड ओपन हो जाएगा और ये अलार्म आ जाएगी और साइकिल स्टॉप हो जाएगा। मोल्ड हमारा अभी स्टॉप पोजीशन में है। हमने अलार्म को रिमूव किया, हैंड पे लेके हम पहले पेपर निकालेंगे और फिर मोल्ड को साइकिल में डालेंगे। फिर आप देख पाएंगे जो हमारा टाइम है मोल्ड सेफ्टी का 0.54 सेकंड, उससे अगर कम टाइम मिलता है, यानी कि हमारे मोल्ड के बीच में कुछ भी नहीं है, तो हमारा मोल्ड क्लोज हो जाएगा। ये देखिए मोल्ड सेफ्टी टाइम ले रहा है 0.52 सेकंड्स। तो कुल मिला जुला कर हमें जब मोल्ड सेफ्टी लगाना होता है तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है, मिनिमम स्पीड अप्लाई करना है टनेज लेने के टाइम पे, और जो टाइम एक्चुअल टाइम ले रहा है उससे कुछ माइक्रो सेकेंड्स आपको टाइम सेट, एक्चुअल टाइम आपको देना है, सेट टाइम देना है। तो ये रहा मोल्ड सेफ्टी का डेमो। आपको चैनल कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।